माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत चार मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी। ये स्तंभ है युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। देश के हर हिस्से, हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही हैं। इसीलिए इन चार स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है। मेरी सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है। 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिला। इस पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपया खर्च किए गए। लगभग 11 करोड़ ग्रामीणों परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है। इस पर 4 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहे हैं। हाल ही में 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन पूरी हुई है। आज इन लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ती गैस भी दी जा रही है। इस पर भी सरकार द्वारा 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। आप इस पर 11 लाख करोड़ रुपया और खर्च होने का अनुमान है। मेरी सरकार का प्रयास है कि हर योजना का तेजी से सैचुरेशन हो, कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे। इसके लिए 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। अभी तक इस यात्रा से करीब 19 करोड़ देशवासी जुड़ चुके हैं।